जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम यहाँ कल गोमटेश बाहुबली भगवान जी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह गए थे और यहाँ दो दिन विद्यानंद निलय धर्मशाला में आकर रुके। रूम्स बहुत ही साफ सुथरे हैं, बहुत सुंदर ग्रीनरी है, आप यहाँ आकर रुक सकते हैं। अभी हमने ये गाड़ी बुक कर ली है दो दिन के लिए। हम लोग यहाँ आसपास के दार्शनिक स्थल देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए आप भी साथ में चलते हैं। श्रवण बेलगोला से हमें सबसे पहले हेलेवीडो पहुंचना था, परंतु कहते हैं ना, जो प्रभु को मंजूर हो वही होता है। रास्ते में हमें एक जगह दिगंबर जैन मंदिर का बोर्ड दिखाई दिया, पर हम वहाँ नहीं मुड़े। हमें हेलेवीडो पहुंचने की जल्दी थी। थोड़ा आगे जाने पर सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा मिला, जिसके कारण हमें वापस उसी मार्ग से जाना पड़ा। यह रास्ता जंगल के बीचों बीच से निकलता हुआ था। जब हमने रास्ते में जैन धर्म का ध्वज देखा तो हमारी वहां दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो गई। यहां हमें भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की 30 फुट ऊंची विलक्षण प्रतिमा जी के दर्शन हुए, जिसका आगामी समय में कछुए के आकार का मंदिर बन रहा है। वहां पहुंचकर हमें पता चला यह स्थान जैनरगुत्ती एक अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र है। अभी जो आपको मूल पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति दिख रही है ब्लैक कलर की, वो इधर से 9 किलोमीटर पर मल्लापुर करके गांव है। अच्छा, 9 किलोमीटर। उस मल्लापुर में एक किसान को ट्रैक्टर का हल चलाते हुए मूर्ति मिली थी। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति मिलने के बाद वो खेत के साइड में रख दिया। अच्छा। उधर जैन का कोई घर ने उनको मालूम नहीं है कि जैन का मूर्ति इसको अभिषेक करना चाहिए, और कुछ मालूम नहीं था। हाँ। उस पर उन्होंने सर्प देखा था, उनको लगा कि एक नाग देवता कोई सी मूर्ति है। हाँ। तो लोग आते जाते सब उस पर हल्दी कुमकुम चढ़वा रहे थे, मूर्ति वो ऐसे ही पड़ी थी। तो इधर से 4 किलोमीटर अड़गुर करके गाँव है, उधर 50 घर है जैनों के, उधर भी एक छोटा सा मंदिर है, उधर भी बस्ती है अपने जैनों की। उन लोगों को पता चलने के बाद वो लोग उधर चले गए और उन्होंने बोला कि इस मूर्ति को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़वाने का है, अभिषेक करने का रहता है। ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति दिख रही है। तो उन लोगों ने बोला कि हमको एक केयर करने को नहीं होता है, आप लेकर जाओ इसे। तो मूर्ति लेकर आ गए, लेकिन रखने का किधर। अच्छा। तो इसको अब सब लोग बोलते थे जैनों का जगह है। तो उन्होंने क्या किया, इधर जगह आकर 2-3 पत्थर पड़े थे, उधर आकर उन्होंने रख दिया, ऐसी मूर्ति रख दिया। फिर साल में कोई आते थे, कोई अभिषेक करता था, इनकी स्थापना अपना कुछ नहीं, ऐसे चल रहा था उनका। तो ये वीर सागर जी महाराज करके है, बेलगाम साइड के है। अच्छा। वो विहार करते करते श्रवण बेलगोला आए थे। अच्छा। विहार करते करते वो इधर जा रहे थे। अच्छा। इस तरफ तो अड़गुर में आए थे। तो अड़गुर में आने के बाद लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हमको एक मूर्ति मिली है। अच्छा। और वो मूर्ति हमने लाकर इधर रखा है। अच्छा। और इस जगह को जैनरगुत्ती बोलते है, जैनों का बोलते है, मालूम नहीं कोई लोग जाता नहीं उधर, पूरा जंगल जैसा ही है। तो महाराज जी बोले चलो ठीक है हम देखते हैं। तो उन्होंने आकर इधर सब कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा घूम कर देख लिया और उन्होंने बोला कि ये जगह मेरे को बहुत ही अतिशय जगह लग रहा है, कुछ ना कुछ इधर है लेकिन मालूम नहीं कुछ है। तो उन्होंने बोला कि इस मूर्ति की हम स्थापना करते हैं और अपने सहयोग से एक छोटा सा मंदिर बनाइए इसी जंगल रह रहे ना, तो ऐसे ही बाद में हम देखेंगे इसका इतिहास निकाल के, क्योंकि ये जगह किसके नाम पर है क्या ये सब वो मालूम करना पड़ेगा। तो आपके सहयोग से इतना से छोटा सा मंदिर बनाइए, मूर्ति की स्थापना करता हूँ, ऐसे बोलकर उन्होंने मूर्ति की स्थापना करके वो आगे चले गए अपने विहार, वो रुकते नहीं एक जगह। तो आगे वो सम्मेलन शिखर जी विहार के लिए गए, लेकिन वो जाते हुए उन्होंने इसका पूरा इतिहास निकाला। एक कम से कम 2500-3000 साल पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था ये पहाड़, ज्वालामुखी से बना हुआ पहाड़ है। अच्छा। अभी आप देखेंगे पहाड़ को तो पूरा जल रहा है, हर फरवरी मार्च को ये पूरा ऊपर का जो एरिया अपने आप जल जाता है, ज्वालामुखी अपने आप जल जाता है, अपने आप जल जाता है फरवरी मार्च में। बाद में अप्रैल मई के बाद फिर से हरा भरा हो जाता है, फिर से हरा भरा हो जाता है। आप देखेंगे अभी ऊपर का थोड़ा थोड़ा हर रात को थोड़ा थोड़ा जलता रहता है। उसका ये इतिहास है। तो इतिहास पढ़ने के बाद वीर सागर जी महाराज इधर फिर से आ गए वो विहार करते करते। अच्छा। आने के बाद इतना छोटा सा मंदिर बनाता ये आकर 2 दिन रह गए, लेकिन वो घूम रहे थे इधर, घूमते घूमते ना वो जो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे एक ऐसा नाला जैसे बारिश का पानी जाता है, अभी है वो ऐसे,
वो ऐसा नाला है, तो चलते चलते उनको थोड़ा सा ऐसा एक सिर दिखने लगा, जैसे ये ऐसे दिखने रहा था, ऐसे पानी जा रहा था और ये ऐसा एक सिर दिख रहा था ये। तो उन्होंने थोड़ा सा नजदीक जाकर देखा कि लगा पहले कि जो जो बाल दिख रहे थे गौतम बुद्ध की मूर्ति वगैरह होती है, लेकिन थोड़ा सा जाने के बाद इधर कमल जो दिखाई दिया तो उसमें से लगा कि ये जैन मूर्ति। तो उन्होंने निकाला नहीं, चलो बोले इसको ये करके ढक दो, लोगों को बताएंगे फिर ये करेंगे। तो आगे जाते वक्त ना इधर एक बहुत बड़ा लंबा सांप है, किसी किसी को मेरे को अभी नजर में नहीं पड़ा है, लेकिन ये मूर्ति दिखने के बाद महाराज जी आगे चलते वक्त ना उसके बाल है सीधा खड़ा खड़ा हो गया महाराज जी के सामने। अच्छा सांप? हाँ सांप। वो उनको हाँ पसीना छूट गया महाराज जी को। फिर से वो पिंची लेकर उधर ही खड़े हो गए, उधर ही खड़े हो गए और वो इतने इतने तक आ गया था और फुत्कार छोड़ रहा था महाराज, पूरा पूरा पसीना हो गया महाराज। हाँ फुत्कार ही, उनको लगा कि अभी मेरा समाधि मरण इधर ही होगा। उन्होंने अपने अपने ध्यान किया, नमकर मंत्र पढ़ने लगा और उन्होंने उस सर्प को बोला कि मैं देखो एक क्षेत्र में आया हूँ, एक क्षेत्र के एक अतिशय क्षेत्र लग रहा है, इसको पुनर्जीवित करने आया हूँ, इसको मैं कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, इस क्षेत्र का मैं अपने जीवन के लिए ये नहीं करूँगा, मैं दिगंबर मुनि हूँ, ये समाज के लिए इसका पुनर्जीवित करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहते तो मैं इधर ही समाधि वरण ले लेता हूँ। ऐसा करने के बाद सर्प थोड़ा थोड़ा ये करने के बाद उन्होंने पिंची डाल दिया, लेकिन वो सर्प आगे जाते जाते उसने एक 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 जगह ऐसे फन्ना मारते गया, जो ऐसे मारते गया। तो वो महाराज जी देखते रहे थे क्या हो रहा है, जिधर जिधर फन्ना मारते थे उधर जाने के बाद उनको वो जमीन ऐसे वाइब्रेशन होने लगा जमीन पर, ऐसे थोड़ा उतना ही साइड में जमीन वाइब्रेशन होने लगा, साइड में जाते तो कुछ नहीं होता था और जिधर जिधर सर्प ने फन्ना मारा था उधर जाकर देखा तो सब जगह वाइब्रेशन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ ये है। हाँ तो उन्होंने पत्थर लेके टिक मार्क कर दिया जिधर जिधर ऐसा था, कम से कम 11 या 12 जगहों पर वो टिक मार्क कर दिया। फिर इधर सब लोगों को बोला कि हसन बेंगलोर के सब लोग आए थे, उन सबको बोला कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो उन्होंने एक तारीख डेट फिक्स कर दी 12 मार्च 2021, ये दो साल पहले 12 मार्च 2021 को तारीख फिक्स करके तो वो JCB बुलाकर ये सब काम चालू कर दिए थे। तो पहली मूर्ति उनको दिखी थी ये जो आपको दिखाया मैंने, मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति है, ये निकाल दिया उन्होंने मिट्टी से। अच्छा। निकालने के बाद उसको वज्रलेप करके वो बीच में जो है मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति, हाँ वही ये मूर्ति है मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति। पहली बार उनको ये किया था इसलिए पूरी बिल्कुल ऐसी मिली, हाँ पूरी ऐसी मिली क्योंकि वो पानी जा रहा था इसको कुछ भी खंडित नहीं हुआ है। फिर बाद में उसके साइड में जो आपको दिख रहा है आदिनाथ भगवान की मूर्ति लंबे बाल वाले, वो भी महाराज जी ने टिक मार्क किया था उधर ही मिली है। उसके साइड में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति वो भी इधर ही मिली है, दो टिक मार्क किए थे वो और ये मूर्ति मिली। बाद में ये जो आपको आदिनाथ भगवान की मूर्ति दिख रही है क्रीम कलर की, हाँ जी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, वो JCB निकालते वक्त ना वो ऐसे खंडित हो गई थी। ओ, अच्छा। इसके चार चार भाग हो गए थे, 1, 2, 3 इधर कमर में, ये चार भाग हो गए थे। तो महाराज जी ने क्या किया कि 8 दिन उसको शुद्ध शक्कर और घी में रखकर मंत्रोच्चार जपो चार नवकार मंत्र मन के 8 दिन के बाद वो पूरी तरह से जॉइंट हो गया वो मूर्ति। अभी कितना ये कर लो, अभी हर महाशिवरात्रि को हम अभिषेक करते हैं, अभी परसों अभिषेक हो गया उसका, जलाभिषेक गंधाभिषेक सब अभिषेक करते हैं उस मूर्ति को, लेकिन कुछ भी नहीं होता, पूरी पूरी तरह से जॉइंट हो चुका है मूर्ति, वो जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। कौन सी वाली है इधर? वो क्रीम कलर की, काली कलर के बरोबर नीचे नीचे जो है। अच्छा अब जुड़ चुकी है वो पूरी, अभी पूरी तरह से जॉइंट हो चुकी है। अभी बाद में उसके साइड में जो खड़क स्थान में दिख रही है खड़ी हुई मूर्ति, वो पंचधातु की है। वो कांटे का पेड़ था, कांटे का बहुत बड़ा। अच्छा। वो कांटे का पेड़ निकालने के बाद ना उसकी वो जो जड़ रहता है नीचे का उसको चिपक के आई हुई मूर्ति है वो। अच्छा। वो पंचधातु की है। अच्छा। वो महावीर भगवान की मूर्ति। बाद में व्हाइट कलर के सामने जो आपको दिख रहा है इतना सा छोटा सा दिख रहा है पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, वो भी जिधर टिक मार्क किए थे उधर ही मिली है महाराज जी को। बाद में चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति है ब्लैक कलर की, ये भी अतिशय पुरानी ये मूर्ति, ये भी इधर भी टिक मार्क किए थे ना उधर मिली। बाद में एक बहुत सी अतिशय मूर्ति सुंदर मूर्ति इधर मिली है, ये बड़ी वाली। अच्छा बड़ी वाली? हाँ ये भी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, ये बड़ी वाली है, ये भी ये निकली है, जैनों का स्थान रहा हो। हाँ ये बहुत मैंने बताया नहीं था, बहुत बड़ा क्षेत्र था ये, देखिए पहले ऐसे
जमीन में मिली थी ये मूर्ति बड़ी वाली, तो इसको पहला थोड़ा थोड़ा स्पॉट था वो कलर, हाँ, तो उसका वज्र लेप करके ना उसकी स्थापना कर दी, लेप कर दिया। इस मूर्ति के एक अतिशय आपको बताता हूँ, अपने जैन मूर्ति को एक ही लांछन रहता है, जैसे हमने ये मूर्ति बनाई इसको एक ही लांछन है ना, हाँ, यानी कि चिन्ह चिन्ह उसमें सात है, लेकिन नीचे देखिए सात है, एक ही होता है, एक ही होता है हर मूर्ति में। तो इस मूर्ति में 24 सर्प है टोटल, अच्छा टोटल 24 सर्प है, वो नीचे सात दिख रहा है आपको, धर्मेंद्र पद्मावती है ना, उसके सिर पर एक एक सर्प दिख रहा है, ठीक है ना, फिर भगवान के सिर के ऊपर सात सर्प है, बाद में उस साइड में चार और उस साइड में चार है, 24 हो गए टोटल 24 सर्प, यानी कि उन्होंने मूर्ति बनाते वक्त सोचा हुआ की 24 सिर तुम करोगे निशानी 24 सर्प, बाद में जो बाल है बाल घुंघरू बाल है वो पूरे आप कैसे भी गिनोगे तो 48 बाल है, अच्छा, तो अपने भक्ता मृदन में 48 कड़ी रहते हैं, हाँ कावे रहते हैं, वैसे 48 बाल बनाए। बाद में जो मुकुट दिख रहा है, मुकुट के ऊपर जो सिंबल दिख रहा है, मुकुट के ऊपर सिंबल दिख रहा है, वो सिंबल जो विष्णुवर्धन राजा था उस वो होयसल साम्राज्य जो था ना उस साम्राज्य का वो सिंबल है, वो जैन थे, हाँ वो जैन थे बाद में कन्वर्ट हो गए। और एक आप इधर सामने से मूर्ति देखिए, इसको सामने से देखिए, पूरा शांत संयम देखिएगा आपको, ऐसे खड़ी हुई शांत संयम दिख रही है ना, साइड में जाकर देखिए मूर्ति हंसती हुई दिखेगी आपको, स्माइली चेहरा दिखेगा, साइड में जाइए थोड़ा सा चेहरा, हाँ हंस रहे हैं उस साइड में, जितना अंदर जाएंगे ज्यादा हंसता हुआ चेहरा दिखेगा, सामने से नहीं हंस रहे। यह सच में एक अतिशय क्षेत्र है। अपनी कहानी बताती हूँ, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई मंदिर है, ऐसा कुछ है, हमें रोड पर एक टूटा हुआ गिरा हुआ पेड़ मिला, हम आगे नहीं जा पाए, वो इस वजह से कि बाबा ने हमें यहाँ बुलाना था, अपने दर्शन करवाने थे, इसलिए हम यहाँ आए। सच में बहुत ही अतिशय क्षेत्र है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। कर्नाटक के अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।